तो जैसे ये गिटार है, अगर हम लोग गिटार को डायरेक्ट एम्पलीफायर के साथ कनेक्ट कर दें तो जो साउंड है वो अच्छा नहीं आता। अगर हम लोग चाहते हैं कि डिफरेंट टाइप का साउंड आए, थोड़ा डिस्टॉर्शन आए, थोड़ा इको के साथ आए, थोड़ा रिवर्ब आए, तो उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं गिटार प्रोसेसर को। तो ये आप नीचे देख सकते हैं, यहाँ पे हमारा एक ये गिटार प्रोसेसर है। ओके, ये डिजिटेक का गिटार प्रोसेसर है। और मैं आपको बता दूँ कि ये जो गिटार से वायर निकला, ये जा करके जो हमारा प्रोसेसर है, प्रोसेसर के इनपुट पे चला गया, और इसका जो आउटपुट है, आउटपुट से जा करके ये हमारा जा करके फिर यहाँ पे एम्पलीफायर के साथ कनेक्ट हो गया है। ओके, और इसके बाद ये थर्ड वाला जो वायर है हमारा यहाँ पे गिटार प्रोसेसर पे, ये हमारा एडाप्टर के साथ आया हुआ है। 6 वोल्ट इसको एडाप्टर की ज़रूरत पड़ती है पावर सप्लाई के लिए, तो ये जो पावर सप्लाई इससे आ जाता है डीसी के थ्रू। ओके, और यहाँ पे जो है, अगर हमें जो हमारा ये जैसा 56 नंबर का हमारा जो टोन है वो लगा हुआ है, हम लोग यहाँ से इंक्रीज कर सकते हैं और यहाँ से डिक्रीज कर सकते हैं इसको। ओके, तो जो भी हमारा जो भी हमें इफेक्ट अच्छा लगे उस इफेक्ट को रख करके हम लोग उस पर प्ले कर सकते हैं। ओके, तो ऐसा करके, और यहाँ से अगर हमें थोड़ा अगर कुछ खुद से चेंजेस करना है, अगर उसके रिवर्ब थोड़ा चेंज करना है, उसका इफेक्ट चेंज करना है, डिले थोड़ा चेंज करना, थोड़ा डिस्टॉर्शन चेंज करना, तो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ से ये जो बाकी जो हमारे बटन से उसके थ्रू हम लोग कर सकते हैं। इसके लिए हम लोग बाद में एक बार रिव्यू करेंगे, इसके लिए अलग से करेंगे कि कैसे हम लोग इन चीज़ों को चेंज कर सकते हैं। ओके, तो अभी हम लोग देखते हैं कि अगर हम लोग इसके साथ कनेक्ट करें तो कैसा साउंड आता है। तो एक बार हम लोग देखते हैं, एकॉस्टिक गिटार का साउंड आता है वैसा साउंड आएगा, बट इसके थ्रू होकर के जा रहा है तो एक अच्छा सा जो टोन होता है कोई रिवर्ब और इको के साथ आता है। अभी हम लोग कुछ चेंज करेंगे इसको, जैसे चेंज कर दिया नेक्स्ट में, नेक्स्ट में हम लोग देखते हैं कैसा इफेक्ट आता है।